Assalamu alaikum guys, I'm Shahrukh. So you guys wanted to know about our experience. What the f- Bazu ghar banna. So you guys wanted to know about our experience. So you guys wanted to know about our experience at the YouTube Fan Fest. सो स्टार्ट कैसा हुआ बोले तो मेरे को कॉल आया अनिल भाई का. अनिल भाई क्या कौन है बोले तो हमारे मैनेजर है. आई मीन यूट्यूब का हमारा चैनल उन्होंने मैनेज करते पूरा. सो एनी वेज उन्होंने कॉल करे, ईमेल आया यूट्यूब वालों से, यू गाइस हैव टू परफॉर्म एट द यूट्यूब फैन फेस्ट बोल के मेरे को बोले. तो बोला हाँ कर लेंगे री, इसमें क्या है कर लेंगे. ओके डन हो गया, वो मैं बोल दिया ख़त्म हो गया. वो बहुत पहले, एक दो महीने पहले हुआ था. उसके बाद क्या हुआ बोले तो मेरे को कॉल आया अनिल भाई का फिर एक दस पंद्रह दिन के बाद आया. तो वही कंफर्म करने क्या है कौन चल रहे क्या क्या है ये सो बोलने. तो मैं जब रियलाइज करा व्हाट यूट्यूब फैन फेस्ट में परफॉर्म करने में एग्री कैसा हो गया बोल के सोच ले रहा हूँ मैं. बिकॉज मैं आज तक स्कूल में परफॉर्म नहीं करा. आई मीन न्यू सिटी न्यू पीपल दे डोंट इवन नो अस. लाइक 5000 लोगों के सामने परफॉर्म करना इट वॉज अ बिग डील. फिर उसके बाद क्या बोले तो अब्रार भाई बोले मेरा डाउट है आने का, दूसरों किसी और एक को लेकर चले जाओ तुम, अगर मेरा नहीं हुआ तो उन लोगों के साथ कर लो बोल के बोले. अब मैं बोला इले अब अब्रार भाई नहीं है बोल तो मैं कहा. इट वॉज टेरिफाइंग. मैं एकदम सोचते कि डर गया अनिल नहीं हो सकता. मैं अनिल भाई को कॉल करके बोला अनिल भाई आई एम सॉरी नहीं हो सकता. वो तो उन्होंने बोल दिया नहीं नहीं बोल दिया वो कैसा ये वो नहीं हो सकता आप बोल दिए खत्म अब जाना है. मैं बोला होता ही नहीं जाता हूँ मैं क्या करते हैं. अनिल भाई डैडी को कॉल कर डैडी को कॉल करके बोले देखो शाहरुख कैसा नहीं आता हूँ बोला अच्छी चांस है अच्छी अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ा स्टेज है ये वो बराबर बोल दिए. डैडी बोले ठीक है मैं चलता हूँ बिल्कुल ओके. मैं बोला ठीक है अब डैडी चल रहे ना सो चलो चले जाएंगे. उसके बाद क्या हुआ डैडी जो है रियाद को गए थे उनके शोज थे वापस आए उनकी तबीयत खराब बेड रेस्ट पे थे तो इम्पॉसिबल था यूट्यूब फैन फेस्ट में जाना. तो फिर बोला अनिल भाई अब तो नहीं हो सकता अब मैं नहीं चल रहा हूँ अब डैडी भी नहीं है अब क्या करूँ. तो अनिल भाई फिर डैडी कॉल करे जाना जरूरी है टिकट्स बुक हो गए होटल के रूमा बुक कर दिए उन्होंने बहुत वो हो जाता है ये वो बोल दिया. तो फिर डैडी क्या करे भैया को कॉल कर कन्विंस कर दिया उनको आ जाओ एक दिन के वास्ते अब कोई भी अच्छा है ये वो बोल के बोल दिया. तो भैया बोले ठीक है डन आ जाता हूँ लेट्स डू दिस. सो वी वेंट टू द यूट्यूब फैन फेस्ट. अस्सलाम वालेकुम गाइस, खैरियत से? मैं देखो रस्ते में हूँ मुंबई जा रहा हूँ मैं, एक्चुअली एयरपोर्ट जा रहा हूँ मैं, वहाँ से मुंबई जाऊँगा इंशाल्लाह. फैन फेस्ट के लिए निकला अभी और भयानक बारिश हो रही, टू मच बारिश है, आखिरी ट्रैफिक है. क्या होता है कि क्या नहीं किसी समझ में नहीं आ रहा. फ्लाइट को लेट वेट हो गया तो क्या है कि वैसा दिख रहा मेरे को. तो खैर मैं सोचा एज आई एम लीविंग तो मैं सोचा कि वाई नॉट मेक अ वीलॉग व्लॉग 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 वीलॉग ऑन दिस ट्रिप शुरू से लेके आखिरी तक समझ रहे हैं वापस आए तक. इंशाल्लाह सैटरडे वापसी है मेरी तो उसके ऊपर एक वीलॉग बनाऊंगा बोल के सोचा. तो लेट्स सी हाउ इट गोज. अच्छा बना तो डालता हूँ नहीं बना तो लाइट ले लेता हूँ. ओके आखिरी बुरा अटक गया ट्रैफिक में समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ. ऊपर से एयर इंडिया एक्सप्रेस है लेके उड़ता कि क्या करता कि पहले बारिश हो रही है हैबत हो रही क्या करते. अब ऐसा अर्जेंट मामले बने तो वैसे ही चल रहा है ना मिलते. अब नीचे अच्छे बिठा था कि सीटों पर बिठा था कि समझ में नहीं आ रहा. अच्छा हुआ मैं तोशा बन के ले लेके आया चार शामिया दो फुलके थोड़ा खारा है और एक दो मौज है. देख रहे हैं आलम ट्रैफिक का क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा है रो भाई जल्दी निकलने की बात ही करते. ये तुझे कैसे जिया जाता है आ बता दे तुझे. बीच बीच में आ जा रहा भाई लेना चेंज करते नहीं बहुत गुस्सा आता मेरे को लोगा लेना चेंज करे. जब जिंदगी की सबसे लंबी जर्नी दिख रही है मेरे को 3 घंटे फ्लाइट उड़ने और मैं एयरपोर्ट के जर्रा भी खरीद नहीं हूँ. फाइनली ट्रैफिक खुली
और मैं रास्ते में हूँ। देखो दुआ करो मैं जल्दी पहुँचाना भाई। खाना ले, खाना 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 हो। देखे जरा इसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। फाइनली पहुंच गया मैं एयरपोर्ट, आई थिंक टाइम पे पहुंचा। देखना क्या होता, जा रहा हूँ दो दिन को जा रहा हूँ, आ रहा हूँ फिर भी नहीं इतना सामान दिए थे, दिख रहा दो दिन को इतना सामान देते यार भी। अरे मैं वहाँ से हैदराबाद नहीं जा रहा हूँ, मतलब भी नहीं। शाहरुख जा रहा ना, शाहरुख आ रहा ना, उसके हाथ को दे दो सामान, वहाँ से भी ले लेते हम लोग। हाँ तो भाई चेक इन वैक इन अब भी हुआ सब, अब भयानक दबा के भूख लग रही मेरे को, अब खाना खाने जाने वाला हूँ मैं। चिकन स्टेक हाउस बर्गर फ्राइज और डाइट कोक। अपने लोग भी डाइट कोक ऐसा लेते हैं जैसा ये खाए तो वो मोटे हो जाते हैं और ये पीते ही दुबले हो जाते हैं। नहीं जब से खाली चलते जा रहा हूँ खाए सो हजम हो गया पूरा, आखिरी गार में डाले गेट मेरी। क्या करते अब चल लेते जाना है, क्या क्या करना पड़ रहा, फैन फेस्ट के वास्ते भारी पड़ जा रहा है फैन फेस्ट। देख रही हैं जिंग ऑल्टो मिली मेरे को होटल को जाने, बेहतरीन समझ रही आखिरी छकछका के रखे हुए चीचा है ऑल्टो को। देख रहे हैं अंदर खाली क्रोम इंसर्ट्स। फाइनली बिस्तर, यहाँ शाहरुख भाई है, क्या क्या ये कर ले रहे हैं, अब भी नींद में से उठा दिया उनको मैं, अब मस्त सो के पहले फजर पढ़ना है उसके बाद मस्त सो के, कल और परसों दो भयानक बिजी डेज है तो इंशाल्लाह लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके ऑफिशियली डे टू, अब भी उठे नींद में से, 10:15 हो रहे हैं, 10:30 को फुगट का ब्रेकफास्ट बफे ख़त्म होता तो जल्दी जल्दी नीचे भाग रहे हैं। शाहरुख बेचारा 5 बजे से भूखा है, तो नाश्ता वाश्ता कर लिए, फ्रेश व्रेश हो गया, तैयार व्यार हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को है अपना, प्रेस कॉन्फ्रेंस को है अपना। ये शाहरुख है बैठा हुआ है स्नैपचैट कर रहा, इन्हें स्नैपचैट ही करते रहता हमेशा। यस फॉलो करो शाहरुख। ओके गाइस अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुआ, स्टेज पे गए थे हम ना, लाइट फटी हुई थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन जाना पड़ा तो सब इंटरव्यूज ये वो चल रहे प्रेस के। ये शाहरुख है, पहले शाहरुख को बताता हूँ मैं क्योंकि उन्हें मेरा भाई है। क्या मैं बोला, पहले तेगू बताता हूँ मैं क्योंकि तू मेरा भाई है। एंड देन वी हैव अर्जुन हियर, अर्जुन से हाय। एंड हाँ तो बीच में हम लोगों को नहीं थोड़ा ब्रेक था तो मैं शाहरुख लाइट शॉपिंग बोल के निकल गए थे, फिर एकदम कॉल आया अरे यार तुम लोग के रिहर्सल्स के टाइम हो रहे बोल के, तो अभी हम लोग स्टेडियम को आए रिहर्सल्स देख रहे थे दूसरों के, फिर उन्होंने बोले वैनिटी वैन में क्यों नहीं बैठते तुम लोग, बोला वैनिटी वैन है हो बोले। देखो So this is our vanity van, मतलब hey guys, आज परफॉर्मेंस है इंशाल्लाह, लाइट फट रही क्योंकि बहुत लोग आने वाले हैं ना, अभी ब्रेकफास्ट करे शाहरुख ऐसा बैठा हुआ है फोन में रहता हूँ मैं हमेशा, तो अब नाश्ता कर लिए, अब लाइट ऊपर जाके समझे रिहर्सल्स करेंगे ताकि शाम में इतने मुझसे ऑडियंस को देख के फटके हाथ में आ गए तो परेशानी, इज्जत का सवाल है करना पड़ता, देखो क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, थैंक यू सो सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट करें माशाल्लाह, ऐसा आंखों में से आंसू टपकना बाकी था मेरे। खैर थैंक यू वेरी मच, परफॉर्मेंस हो गई अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन थी, मज़ा आया करने में और ऑडियंस को नक्को गिनो भाई। अब देखो अपने पास हैदराबाद में कोई गुजराती में आके कॉमेडी करा तो अपन थोड़ी समझ के चीर करते उसको, तो वही छुआ विचारों के साथ। खैर परफॉर्मेंस तो खिराक थी, आप लोगों को पसंद आ गए ना, बस उतना ही काफ़ी है हमको। अब देखो आफ्टर पार्टी थी परफॉर्मेंस के बाद, लेकिन हम लोग नहीं गए क्योंकि हालत फुल डाउन थे, अब लाइट भूख लग रही बोल के नीचे उतरे। शाहरुख चल रहा है देखो सामने, शाहरुख तू चल रहा सामने, अब लाइट खाने जा रहे हैं कुछ तो भी, बॉम्बे का स्ट्रीट फूड खाएंगे कुछ तो भी देखेंगे बोल के।
फिर क्या है, सुबह 5 बजे नहीं 6 बजे निकलना है मेरे को फ्लाइंग बैक टू कतर। संडे से जॉब, मज़ा आ गया 2 दिन। आखिरी था, थैंक यू सो सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मुंबई एयरपोर्ट सब हो गया, इमिग्रेशन चेक इन वेक इन, सो डन विद एवरीथिंग ऑन द वे बैक टू दोहा। अब वही एयर इंडिया एक्सप्रेस है, क्या होता कि देखो दुआ करो ज़रा फ्लाइट सुकून से पहुंचा दो इन लोगों बोल के, बस है वो बस। सो गाइस आई एम बैक टू दोहा, पिया पार्किंग में आखिरी मस्त सोया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से ले गया एयर इंडिया एक्सप्रेस, अच्छी है साथ फ्लाइट, चुपीच बोला मैं उसको, ज़रा हिलाती लेकिन मस्त है, सस्ती है, टिका हुआ है, बेहतरीन फ्लाइट है एयर इंडिया एक्सप्रेस, प्लीज़ मेरे पे केस मेरे को करो ओके। और मेरी जान को देखते ठहरी भी है, देखो ठहरी भी है, देखो बेचारी गरद में कुप्पा हो गई, देखो अरे कई को ऐसे हरकत करती ने छिचोरे हरकत करती, मेरे को देखते ये वो खोलना स्टार्ट कर देती ओके थैंक यू सो मच गाइस, मज़ा आया परफॉर्म करके, और आप लोगों का सपोर्ट, अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। दैट्स इट फॉर टुडे, स्टे हिराक एंड मासलाम एंड स्टे हिराक। So that was our journey at the Europe Fan Fest. It was really amazing experience. I mean, jitna bhi time the udhar ek star ki feeling aa rahi thi. Aisa nahi tha ki aap chote YouTuber hai, aapko alag treatment, aisa nahi. Puro ko 5-star hotel mein rakhe, fir wo vanity vans, red carpet, too much tha bhai red carpet pe to chalna pa 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 pa. और मैं आखिरी नर्वस था जब, लेकिन अच्छा हुआ रेड कारपेट रखे हो ना शो से पहले, क्योंकि जब मैं उतना नर्वस था रेड कारपेट पे, उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ गया था तो स्टेज पे क्रैक कर दिए। तो अगर आप लोग रेड कारपेट और वो वीडियो नहीं देखे फैनफेस्ट का, हम लोग का परफॉर्मेंस हम लोग के फेसबुक पेज पे है, हैदराबाद डायरीज पूरा शो है, मतलब पूरा शो एज इन हम लोग का परफॉर्मेंस अंदर रेड कारपेट, डू चेक इट आउट। सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को आप लोगों के कमेंट से हुई, जो आप लोग जितना सपोर्ट करे, I mean, everyone was like, you guys made us proud, अंगार लगा दिए, मौत डाल दिए, हैदराबाद का नाम रोशन कर रहे हैं, आई मीन वो लेवल पे आप लोग हम लोग को देख रहे हैं, दैट इज रियली ऑसम एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू सो मच आप लोग का सपोर्ट हमेशा ऐसे ही रहना, ऐसे ही अपन अंगार लगाते रहेंगे। थोड़े थे हेट कमेंट्स तो आना ज़रूरी था, एक जना लिखा इन लोग जाके प्रूफ कर दिए हैदराबादियाँ सिर्फ हैदराबादियों को हंसा सकते हो, आई मीन खुद हैदराबादी है, क्या सोचते हैं, खुद को डाउनग्रेड कर ले रहे हैं, क्या थिंकिंग रहती है, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दी हेटर्स। बट मेरे को बहुत सीरियसली आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे ही बोल दे रहा हूँ मैं वीडियो में बोल के, बट मेरे को इतनी खुशी हुई आप लोग के इतने अच्छे कमेंट्स आए, थैंक यू सो मच गाइस, एंड इंशाल्लाह ऐसे कमेंट्स करते रहो और हम आपको मोटिवेट करते रहो, हम लोग ऐसे ही वीडियोज बनाते रहेंगे और हैदराबाद का नाम टॉप पे लेंगे इंशाल्लाह। दैट्स इट, सी यू गाइस दिस फ्राइडे ऑन हैदराबाद डायरीज, इंशाल्लाह आपके तो पक्का दा रहा हूं वीडियो, लास्ट टाइम भी बोला सी यू गाइस दिस फ्राइडे ऑन हैदराबाद डायरीज बोल के अंजार मार दिया, बिकॉज यूट्यूब फैन फेस्ट की बहुत टेंशन थी, यू गाइस हैव नो आइडिया, बट वो हो गया, सो एवरीथिंग इज क्लियर एंड पक्का दा रहे इंशाल्लाह फ्राइडे हैदराबाद डायरीज पे वीडियो। सो सी यू गाइस ऑन फ्राइडे, दुआ में याद, स्टे किराक।